जो हजारिया के गड्डी में आपका क्या रोल है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ प्रतिष्ठा ठाकुर और आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं चैनल लॉन्चिंग के लिए और सॉन्ग लॉन्चिंग के लिए। इसमें मैंने एक्ट किया है और बहुत प्यारा सॉन्ग है, मतलब बहुत अच्छा सॉन्ग है और इसके सिंगर हैं शिल्पी राज, पवन परदेसी और इसके प्रोड्यूसर हैं मंजर खान जी और डायरेक्टर हैं संजय वत्सल जी। साथ में आर्य शर्मा का भी नाम ले लो जी, आर्य शर्मा जी गीतकार हैं, हरे राम डेंजर जी हैं, बहुत खतरनाक, जैसा उनका टाइटल है डेंजर, हरे राम डेंजर, तो बहुत खतरनाक गाना लिखते हैं और उनके सुने हुए गाने तो। और जो कोरियोग्राफ किया है वो उन्होंने अनुज आर्य जी ने, मतलब काफ़ी अच्छा है, काम करके बहुत अच्छा लगा। पूरी टीम अभी बनारस एंड लखनऊ में देखिएगा। अभी आपको मंजर सर ने बताया कि 100 गाने हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, जिसके 35 गाने की वीडियो हमारे कंप्लीट हैं और हर हफ्ते हम लोग की कंपनी से एक गाना छूटेगा। संजय, इसको आपने डायरेक्ट किया है? जी मैंने ही किया सर। इसके डायरेक्शन में या भोजपुरी का ये जो एल्बम है या गाना है जी, इसको आपने किस रूह से देखा है? आप क्या भोजपुरी बहुत अच्छी तरह जानते हैं? जी बिल्कुल, और 2003 में गोरखपुर में पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैंने खोला था सर, गोरखपुर का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिसको डॉक्टर वजाहत करीम ने जो है इनॉग्रेशन उसका किया था, और एमजे साहिल साहब जो स्टेशन डायरेक्टर दूरदर्शन हुआ करते थे वो दोनों लोग मिलके। और 2009-10 में मैंने रुक किया मुंबई का, और मुंबई में जाने के बाद बहुत से काम किए। इसके बाद आपका आने वाला प्रोजेक्ट कौन कौन सा है? एक है उसका मुहूर्त, हम लोग अभी हाल ही में जल्दी यही करने वाले हैं और फिर एक बार दोबारा आप सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा। प्रतिष्ठा, इसके अलावा और क्या क्या आपने? मैंने मूवीज़ वगैरह की है और सॉन्ग किया है समर जी के साथ, कापातानी हो उड़त चले ले, और ये हमारा बहुत प्यारा सॉन्ग है, इसमें मैंने एक्ट किया है और मेरे जो हीरो हैं अजय जी, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, धमाकेदार सॉन्ग है जो कि आप सब लोग अभी देखेंगे, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि सुनने में समर पैसे नहीं देते, आपको मिला था पैसा? नहीं मुझे मिला था, और अब ये है सुनने में लोग हर किसी की बुराई करते हैं, बट जब आप उन्हें पर्सनली जानते हैं कि कौन कैसा है तब आप उस पर यकीन कर सकते हैं। और समर जी काफ़ी अच्छे इंसान हैं और मैंने भी उनके साथ वर्क किया तो ऐसा कुछ तो था नहीं, अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। थैंक यू। आज का जो फंक्शन है वो म्यूजिक कंपनी का हमारी लॉन्चिंग है और साथ में ही हम अपने पहले गाने रिलीज हम कर रहे हैं, प्रीमियर है हमारे पहले सॉन्ग का हजारिया के गड्ढे से, मतलब म्यूजिक कंपनी और गाना दोनों की लॉन्चिंग है। आपको ये पहला अनुभव कैसा रहा इस एल्बम से? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, अभी जो दर्शकों का प्यार मिल रहा है इस गाने को, जिस हिसाब से आप अगर देखेंगे YouTube पे कि बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, मतलब आज ही रिलीज ही हुआ है तो सब्सक्राइबर कहाँ से रहेंगे, उस हिसाब से बहुत प्यार मिल रहा है, और अगर इसी तरीके से प्यार मिलता रहा तो हम लोग इसी तरीके से अच्छे गाने बनाते रहेंगे भोजपुरी के लिए। आपने मंजर जी भोजपुरी को ही क्यों चुना? देखिए भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमने भोजपुरी को हम पहले चुने हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम भोजपुरी में ही काम करेंगे, आने वाले समय में हिंदी और भी लैंग्वेज में ही काम करेंगे। मंजर जी, इधर कुछ दिनों से लोगों ने भोजपुरी को कुहरता की तरफ ढकेल के ख़राब किया है, ऐसे में आप अपना रास्ता कैसे निकालेंगे? देखिए हम लोगों की कोशिश तो यही है कि हम लोग अच्छे सॉन्ग बनाएँ, और जितने भी गाने हमारे बने हुए हैं आप देखेंगे कि फुहरता से बहुत दूर हम लोग होकर के ही बनाए हैं, और अच्छे गाने भी लोग पसंद करते हैं ये हम साबित करेंगे। इसके आगे क्या प्लान है और कौन सा एल्बम लाने की? एक्चुअली हम लोग को 100 गाने का प्लान है, जिसमें 35 गाने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हर हफ्ते एक गाने हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई मूवी वर्ल्ड पे आते रहेंगे। ये 35 गाने क्या सब भोजपुरी के हैं? जी भोजपुरी। सब वीडियो शूट हो चुके? जी जी। और 100 गानों के प्लान में क्या क्या हिंदी गाने भी हैं? नहीं, अभी तो भोजपुरी है और नेक्स्ट हम लोग हिंदी का प्लान करेंगे। वैसे आपने 35 गानों में किन किन गायकों को प्रमुखता से चुना? देखिए मार्केट के जितने भी, मैं नाम अभी इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि अभी एक ही गाना हमारा आया हुआ है जिसमें शिल्पी राज और पवन परदेसी हैं, और जितने भी हैं मार्केट के सारे कलाकार और सारे सिंगर सब मार्केट के हैं। नेक्स्ट किसी एक गाने का बोल या एल्बम का नाम बता दीजिए ताकि उसकी भी प्रचार हो जाए आज से। एक्चुअली थोड़ा सा नाम बताना इसलिए होता है कि लोग कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं,
इसलिए उसके लिए हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे। गायक का ही बता दीजिए किसके साथ कर रहे हैं नेक्स्ट एल्बम। नेक्स्ट एल्बम हमारा एक नया सिंगर है, नया उसके कई सॉन्ग आ चुके हैं गोरखपुर के हैं, अभिषेक निषाद उनका गाना आ रहा है नेक्स्ट, इसके बाद हजरी गड्डी के बाद। उसमें प्रतिष्ठा उसमें भी सूट पे हैं? नहीं, उसमें आपके एक पारुल यादव हैं वो है, काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम वगैरह पर, काफ़ी सॉन्ग रखी है। देखा जी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस लॉन्चिंग में आए और इसे बहुत ही बेहतर बनाया आपने।